आज का वीडियो जो है हम बात करने वाले हैं नाखून को रूल की। हमें पता है कि हमारे जो एल्कीन हैं उनके पास एक पाई बोन्ड होता है, डबल बोन्ड होने की वजह से एक सिग्मा और एक पाई। तो इस पाई बोन्ड की वजह से ये एडिशन रिएक्शन जाते हैं, जैसे कि ब्रोमीन टू हम ऐड करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ब्रोमीन टू ऐड किया था, तो एज ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से जाते हैं। तो इसमें हम HCl भी ऐड कर सकते हैं, HBr भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऐसा रिजन जिसके पास पॉजिटिव पार्ट है वो हम ऐड कर सकते हैं, H2O भी ऐड कर सकते हैं और बहुत सारे सब्सटेंस हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन इनको गवर्न करने वाला एक रूल है, उसको बोलते हैं मार्कोनिको रूल। मार्कोनिको रूल क्या कहता है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा एज एन इंटरमीडिएट और वही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। क्या होता है इसे, लेट्स से कि मेरा मतलब इस तरीके का मतलब कोई सिस्टम है, मैं थोड़ा मिटा देता हूं। तो लेट्स से कि मेरे पास में दो तरीके हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पे भी शिफ्ट हो सकता है, यहां पे भी शिफ्ट हो सकता है। यहां पे शिफ्ट होगा तो मेरा ये वाला प्रोडक्ट बने, ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा जिस जो क्या है 2 डिग्री है, ठीक है। अगर ये यहां पे शिफ्ट होगा तो ये वाला बनेगा, ये क्या है 1 डिग्री है। अगर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अगर हम इसको बनाएंगे तो CH+ ऐसे रहेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, सिर्फ इंडक्टिव नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, याद रखना। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा, और कार्बोकैटायन अगर ज्यादा स्टेबल रहेगा तो क्लोरीन जो है इस पे ऐड होगा, फिर ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा, जो अपोजिट वाला है ये हमारा लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा। यदि जो 2-क्लोरोप्रोपेन है वो मोस्ट स्टेबल रहेगा और 1-क्लोरोप्रोपेन जो है लेस स्टेबल रहेगा, इसलिए वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, लेट्स से कि हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि हमारे पास में अगर ब्यूटीन है, लेट्स से हमारे पास में क्या है, ब्यूटीन है CH(CH2) और हम इसमें HCl ऐड करें, तो सेम प्रोसीजर से हमारा 2-क्लोरोप्रोपेन ब्यूटेन रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए 2-क्लोरोप्रोपेन जो है इसमें मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अब अगर मैं इसको लेट्स से इस डबल बॉन्ड को मतलब अब मैं यही सिस्टम लूं और यहां पे एक CH3 डाल दूं तो क्या होगा, ये चीज हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो होता क्या है, यहां से इसको एक नया चीज आने वाली है जिसको बोलते हैं वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट। वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट भी एक पार्ट है, मतलब जो हमें समझना है। इसमें होता क्या है कि जैसे अगर हम भाई मैंने यही सिस्टम दिया है, मिथाइल ग्रुप यहां पे ऐड कर दिया है और इसमें HCl मैं ऐड करना चाहता हूं, होना क्या चाहिए था कि भाई इसकी वजह से और इसकी वजह से मेरे पास में दो प्रोडक्ट होने चाहिए थे। ये वाला जो प्रोडक्ट होता जिसमें Cl यहां पे है ये मेजर होना चाहिए था, लेकिन एक अनयूजुअल प्रोडक्ट बन गया है, अनयूजुअल है ये कहां से मिथाइल शिफ्ट हो गया है, कहां से क्लोरीन यहां पे, तो डबल बॉन्ड है भी नहीं। होता क्या है कि जैसे ये कार्बोकैटायन में H+ ऐड होता है इस तरीके से, तो कार्बोकैटायन के नेक्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है एक मिथाइल शिफ्ट करेगा, मिथाइल शिफ्ट करने की वजह से ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है 3 डिग्री कैटायन में शिफ्ट होगा। इस तरह के शिफ्ट को बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, और ये 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से यहां पे एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और उस पर Cl अटैक करेगा। ये एक एग्जाम्पल है जब हाइड्राइड शिफ्ट होने की वजह से हमको स्टेबिलिटी मिली। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेट्स से कि भाई इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो CH3 से इस सब कंपाउंड में, तब क्या होगा, तब इस तरीके का मेरा सब्सट्रेट रहेगा, ठीक है, इस तरीके का सब्सट्रेट रहेगा
और यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, लेकिन क्योंकि वहां पर नियरेस्ट पे हाइड्रोजन नहीं है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा बाय मिथाइल शिफ्ट। इसको बोलते हैं 1-2 मिथाइल शिफ्ट, और 1-2 मिथाइल शिफ्ट जब होता है तब भी स्टेबिलिटी मिलती है। तो देखिए हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो इस तरीके का है, जो कि यहाँ पे कार्बोकैटायन आने के बाद में Cl- यहाँ पे अटैक किया है, और इसके बाद में 1-2 क्लोरोमिथ, मतलब हमारा जो सिस्टम है वो ये बना है, ना कि ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। अब क्या ऐसा हो सकता है कि भाई हर बार जो रेगुलर मर्जर रीअरेंजमेंट है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन को लीड करे? ये हर बार पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकती है। क्या एग्जांपल है, इसको बोलेंगे हम K3। लेट्स से मेरे डबल बॉन्ड पे साइनाइड ग्रुप है, तो इसमें ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है और ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है। जब ये ऐसे शिफ्ट होगा तो कार्बोकैटायन बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और साइनाइड ग्रुप उसके बिल्कुल क्लोज रहेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज के अगर साइनाइड ग्रुप रहेगा, साइनाइड ग्रुप जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। क्यों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है वो हम देखते हैं। लेट्स से मेरा एक इस तरह से स्पीशीज बन गया, तो नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ये कार्बन के नियरेस्ट पे अगर हम इसको बनाएंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज नियरेस्ट कार्बन पे भी आ सकता है, तो जिसकी वजह से हाईली अनस्टेबल स्पीशीज बनती है। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए ये रिएक्शन इस पाथ को नहीं फॉलो करेगी। कौन सी पाथ को फॉलो करेगी? जिसमें कार्बोकैटायन जो है कार्बोकैटायन पे ये वाला मतलब कार्बोकैटायन दूर हो गया इस CN ग्रुप से, और CN ग्रुप से दूर होने का इसको फायदा मिलेगा, और इसपे एक इसपे 1 क्लोरो या बोल सकते वन हम इन जनरल साइनो ग्रुप को मतलब क्लोरो ग्रुप को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, तो हम बोल सकते हैं 1-क्लोरो-2-साइनो-इथेन। तो ये बहुत ही मतलब 3 केसेस हैं मार्कोनिको रूल के, मार्कोनिको रूल के अंदर जो है रेगुलर मर्जर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है, उसको हमने बताया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे बहुत सारे, और रेगुलर मर्जर रीअरेंजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो BSc MSc लेवल पर बहुत पूछा जाता है, इवन बहुत सारे गेट एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो हम देखेंगे और कितना भी हम समझ सकते हैं, तो देखते हैं क्या होगा इसके बाद में। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और देखते रहिए हमारा काम। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।